प्रकार की फसलों को बो देती है अकेली मशीन। जो भाई आपके चैनल से आएगा उनको हम बिल्कुल मान सम्मान करेंगे, पहले तो आपके चैनल का जो स्क्रीन शॉट दिखा के आएगा जी, फिर हम इस मशीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज पहुँचा हुआ हूँ हिसार बाड़ोपट्टी हरियाणा के अंदर। आज आपको एक कमाल की मशीन दिखाने वाला हूँ। मशीन एक है लेकिन काम उसके अनेक हैं। मशीन किस तरीके की है, क्या कुछ बेनिफिट और आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, कीमत क्या रहने वाली है, सारे कुछ सवालों के जवाब लेंगे। कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आज आपको मशीन के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले जो सामने से आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना कराएं। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। मेरा गांव बैबलपुर बाड़ोपट्टी है जो हरियाणा में है, जो इसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर पड़ता है गांव। कंपनी की बात करूंगा तो इसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय मेरे किसान भाइयों को कराइए, कहां पर अपनी जो कंपनी है वो स्थित है। यह कंपनी संजीव जांगड़ा इंजीनियर वर्कर्स के नाम से है। यह कंपनी बैबलपुर गांव में पड़ती है जो हरियाणा में है। तो सर जैसा मैंने किसान भाइयों को अपने बता दिया मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर है, तो इसके बारे में मेरे किसान भाइयों को थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करें कि मशीन का एक्चुअल में काम क्या है, किस तरीके से काम ये करती है। यह मशीन बेड बनाने का काम करती है, जो बेड के ऊपर फसलों को बोएगी। यह मशीन 30 प्रकार की फसलों को बेड के ऊपर बोती है सर। 30 प्रकार की फसलों को बो देती है अकेली मशीन। हाँ जी अकेली। किस तरीके से बोती है उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को समझाएं। सर यह मशीन बेड बनाएगी, बेड के ऊपर हम सभी प्रकार की फसलें बो सकते हैं, जैसे कि गाजर मूली अदरक भिंडी इस प्रकार की फसलें बो सकते हैं। क्या इसके साथ किसान गेहूं की भी बिजाई कर सकता है। हाँ जी गेहूं की बिजाई कर सकता है बेड के ऊपर, बेड बना करके उसके ऊपर बिजाई ये कर करके चलती है। जैसा आपने बता दिया तरह तरह की जो फसलें हैं वो इसके साथ बिजाई किसान भाई कर सकता है। तो बीज जो होता है वो हर फसल का, किसी का मोटा होता है किसी का पतला होता है, तो उसकी सेटिंग किस तरीके से है, किस तरीके से बिजाई करती है उसके बारे में मेरे किसान भाई को थोड़ा सा बताएं। है किसी फसल का बीज नन्हे दाने का होता है, किसी का मोटे दाने का होता है। इसके लिए हमने यह टंकी है जिसमें बीज डलता है, जिसमें ये डिक्से लगती है सर जी। यह एक नंबर डिक्स है जो बारीक बीज होता है हमारा, गाजर का मूली का इस प्रकार के बीजों को बोएगी जी। यह थोड़े से इसमें दो नंबर की डिक्स होती है जो अपने गेहूं की बात करें आप, गेहूं की भिंडी के उस प्रकार की फसलों को बोएगी जी। और इसमें तीन नंबर की डिक्स है जो मोटे दाने आ जाते हैं हमारे, जैसे कि मक्का होया उसका चने का हुआ उस प्रकार की फसलों को यह तीन नंबर डिक्स के साथ बोएगी सर। मतलब के जैसे किसान को फसल कोई भी बोनी हो वो इस डिस्क को चेंज करके आसानी के साथ उस फसल की जो बिजाई है वो कर सकता है। हाँ जी सिर्फ ये डिक्स ही पलटनी है किसान को और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। सेम कुछ सारा कुछ पैटर्न सेम ही रहेगा। हाँ सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ डिक्स ही बदलनी है किसान को जी। सर इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितने चौड़े बेड ये बना करके चलती है। सर ये बेड का ऊपर जो टॉप का सिरा होता है बेड का जी, वह 13 से 14 इंच का होता है, और बाकी किसान की डिमांड के अनुसार हम एडजस्ट कर देते हैं। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं इसके अंदर पीछे ये जो बिजाई वाले पाइप हैं, ये तीन पाइप मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पर, क्या इन रो को भी एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ जी ये रो को एडजस्ट कर सकते हैं, हमने ये बोल्ट लगाए रखे है जी। इसमें तीन रो लगी है, हम चार रो भी लगा सकते हैं, वो किसान की डिमांड के अनुसार होगी जी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि उनको जो दाना है वो ज्यादा गहराई पर बोना होता है, कुछ किसान भाइयों को थोड़ा सा मिट्टी के हिसाब से कम या ज्यादा उसकी जो गहराई है वो करनी होती है, तो क्या वो भी किसान भाई इसके साथ कर सकता है। हाँ जी एडजस्ट कर सकते हैं, हमने पहले तो इसमें ये सिस्टम दे रखा है एडजस्ट करने के लिए, इन दो बोल्टों को खोलो, बीज की गहराई को करना है तो इसको नीचे करो, अगर गहराई को ऊंचाई करना है तो इसको ऊंचा करो, इससे भी किसान का काम ना चले तो हमने जैक सिस्टम लगा रखे है, इसको ऐसे घुमाओ तो ये नीचे की तरफ आएगा, और इसको दूसरी तरफ घुमाओगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, अगर नीचे की तरफ करोगे तो गहराई होगी बीज की जी। बीज की गहराई है उसको कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकता है, और यहाँ से एक बार सेट करने के बाद वो पूरे फ्रेम की जो ऊंचाई है उसको कम ज्यादा यहाँ से कर सकता है। हाँ जी यहाँ से भी कर एक साथ में जो हो जाएगा पूरा जी। और हमने किसानों के लिए ये लगा रखी है सर, जो बीज लाइन से चलेगा ना जी, जो लाइन बन जाती है बीज की, बीज डालने के बाद तो उस बीज के ऊपर मिट्टी नहीं डलती, तो ये मिट्टी डालने का काम करेगा, इसलिए लगा रखे सर हमने ये। मतलब के जो बीज रह जाते हैं जिनके ऊपर मिट्टी नहीं आई, तो उनको जो पक्षी है वो ना चुके हैं उसके लिए ये चीज दी गई है। हाँ जी ये बीज को, बीज के ऊपर मिट्टी डालेगा सर ये जी जी, एक तरीके से पाटा लगाने का काम ये करता है। हाँ जी। तो भाई जी आपने इसकी विशेषताओं के बारे में तो मेरे किसान भाइयों को बता दिया कि किस तरीके से काम करती है, गहराई भी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछने का इच्छुक हूँ, जैसा होता क्या था जब लेबर से किसान भाई जो बीज है उसकी बिजाई कराता था, चाहे हम भिंडी की बात कर लें गाजर की बात कर लें, तो वहां पर समय बहुत ज्यादा लग जाता था उसके अंदर, तो क्या इसके अंदर समय का जो बचत है वो भी देखने को किसान भाइयों को मिलेगी। हाँ जी इसमें समय की बहुत बचत लगेगी, पहले किसान 8-8, 9-9 मजदूरों को लेके साथ पूरे दिन भर भी लगे रहता, तो ये जोर मार के एक एकड़ का काम होता था किसान से जी। और ये मशीन है जो कम से कम 15 से 20 एकड़ का काम एक दिन में आराम से कर देती है सर।
15 से 20 एकड़ का काम मात्र एक दिन के अंदर कर देती है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे होता क्या था, जब लेबर बीज की बुआई करती थी तो कुछ बीज ज्यादा गहराई पर चले जाते थे, कुछ ऊंचाई पर रह जाते थे, बीज की दर कम ज्यादा हो जाती थी, तो इसके साथ तो ऐसा नहीं होने वाला? नहीं सर, जो लेबर होती है वह क्या तो बीज को है ना कभी तो 2 इंच पे डाल देती है, कभी 5 इंच पे डाल देती है, उससे किसान की फसल अच्छी तरह से नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने इस मशीन में ऐसा सिस्टम है, हमने गेयर बॉक्स लगा रखे है, जो बीज को बिल्कुल जो आप चाहोगे उतनी दूरी पर बीज को डालेगा, उसमें गैर लगे, मतलब कि जो एक्यूरेसी है वो इसके साथ प्रॉपर किसान को मिलने वाली है। हाँ जी, चाहे वो किसी भी फसल की बिजाई करे, पौधे की पौधे से दूरी बहुत एक्यूरेट रहेगी, जो किसान चाहेगा उस प्रकार की रहेगी, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टिकर क्यों लगाना पड़ा? ये मैं भारत सरकार द्वारा से मान्यता प्राप्त है जी, हमारी HAU टेस्टेड हुई मशीनें हैं जी, मतलब कि मैं एक तरीके से ये कह दूं कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड मशीन है, गवर्नमेंट द्वारा टेस्टेड है और सब्सिडी भी अप्रूव्ड है। हाँ जी, जो कि एक तरीके से टेस्ट होने के बाद ही अप्रूव्ड करती है गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट। तो किसान को निसंकोच इसकी तरफ जाना मेरे हिसाब से सही रहने वाला है। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, किसान को इस पे 50% की सब्सिडी भी हम दिलाएंगे। जो आपकी कंपनी है वो प्रॉपर किसान के साथ खड़ी है? हाँ जी, प्रॉपर किसान के साथ खड़ी है। अब मैं आपसे ये जानने का इच्छुक हूँ, अगर मेरा कोई किसान भाई इस मशीन को आपसे खरीदना चाहता है तो कीमत क्या रहने वाली है, और कोई किसान भाई मेरा दर्शक भाई अगर आपसे लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा है या क्या कुछ उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा? भाई आपके चैनल से आएगा जी, उनको हम बिल्कुल मान सम्मान करेंगे, पहले तो आपके चैनल का जो स्क्रीनशॉट दिखा के आएगा जी, फिर हम इस मशीन के साथ ये जो डिक्से देते हैं ना, हम जो आपको मैंने पहले बताया था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जी, इसमें 1 नंबर तो हम डाल के देते हैं जी, 2 नंबर 3 नंबर किसानों को एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, जिसके पैसे देने पड़ते हैं किसानों को जी, तो जो आपके चैनल के माध्यम से आएगा तो उनको ये डिक्सों का सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। इन डिक्सों की कीमत कम से कम 6,000 रुपये है, जो हम आपके चैनल के माध्यम से आएगा तो उनको 6,000 रुपये की डिक्स बिल्कुल फ्री देंगे। 6,000 रुपये की जो डिस्क का सेट है वो आपको इस मशीन के साथ में फ्री मिल जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और चैनल का स्क्रीनशॉट भाई जी को दिखाते हो तो ये सेट आपको कंप्लीट फ्री देने वाले हैं। बाकी सर कीमत के बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा मेरे किसान भाइयों को आप करा दें इसका। इस मशीन का कीमत ये 3 बेड की मशीन है, इसकी कीमत 95,000 रुपये रखी है हमने सर, मात्र 95,000 के अंदर वो इस मशीन को खरीद सकता है। बाकी मान सम्मान किसान का मेरे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल करेंगे, जो हमारे संजीव जांगड़ा है किसानों की तरफ बहुत देखते हैं, जो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं किसानों का जी, यानी कि हर तरीके से सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराई जाती है। अब मैं आपसे थोड़ा सा इसकी गारंटी वारंटी के बारे में भी पूछना चाहूंगा, कल को किसान को कोई दिक्कत आ जाती है, उसके पार्ट्स में कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती है, तो कंपनी किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा देती है? इस मशीन के पार्ट में वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, पूरी हैवी ड्यूटी है जी, हमने 5 क्विंटल वेट रख रखा है, 5 क्विंटल की मशीन है। हाँ 5 क्विंटल वेट रख रखा है इसका, इसमें सभी पार्ट हैवी लग रहे हुए हैं जी, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर है, उस पे कॉल करें आप, समस्या का पूरी समस्या समाधान किया जाएगा। हाँ जी। अधिकांश किसान भाइयों के पास में मेरे ऐसा नहीं होता कि 60 HP के या 55 HP के बड़े ट्रैक्टर हों, उनकी जो शुरुआत होती है वो लगभग 40 HP के श्रेणी के ट्रैक्टर से हो जाती है, तो क्या किसान भाई 40 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को चला सकता है? हाँ जी, जो ये हमारी 3 बेड की मशीन है ये है, तो 40+ के ट्रैक्टर जितने भी HP के आते हैं सभी पे चलेगी। अगर कुछ छोटे किसान जो हमारे जो 30, 32, 35 HP ट्रैक्टर रखते हैं उनके लिए हमने 2 बेड की मशीन बना रखी है जी, मतलब कि वो ट्रैक्टर के हिसाब से इसकी जो बेड है उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा करके ले सकता है। हाँ जी, ये दो बेड की ले ले, अगर छोटा किसान हो, छोटा ट्रैक्टर हो, तो वह 2 बेड की मशीन ले सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना इस कमाल की मशीन के बारे में, जो कि 30 तरह की फसलों की बिजाई करने में सक्षम है। बात आप गाजर की कर रहे हैं, बात आप मूली की कर रहे हैं, भिंडी की बात कर रहे हैं, या आप गेहूं की बात कर रहे हैं, जो सभी फसलें हैं उनकी बिजाई आप इस एक मशीन के साथ में कर सकते हो। प्राइस भी आपको रिलायबल मिलने वाला है, जिस तरीके से ये मशीन बनी हुई है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने नहीं देखा कि इस रेंज में आपको इतनी ज़बरदस्त मशीन कोई भी कंपनी प्रोवाइड कराती हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इस मशीन के बारे में ओवरऑल जान लिया, कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको प्रॉपर जानकारी दी कीमत के साथ में, साथ में ये भी बताया कि गारंटी वारंटी पे कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरा वो किसान भाई भी इस वीडियो का लाभ ले पाए, जो किसान भाई मेरा एक अच्छा बेड प्लांटर ढूंढ रहा है और मल्टी क्रॉप का जो बिजाई है वो करना चाहता है, तो वो इसकी तरफ एक बार जरूर देखे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।